कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, होने वाली है बल्ले बल्ले। मैंने वादा किया है आपसे कि आपके वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चलाऊंगा। तो लो जी, यहाँ पर सेट डी देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। किसकी आवाज मृत गांव संजीवनी भरती रहती थी, ठीक है, तो पहलवान की ढोलक की। यहाँ से याचक नरेश आएगा, गाय दूध देता है, इसका शुद्ध वाक्य गाय दूध देती है। दुर्बिल सवैया में वर्णों की संख्या है, यह हो जाएगी आपकी 24, हो गया इतना। इसके बाद में है रीतिकालीन, कवि है भूषण। बादल राग, कविता में कुल खंडे 6। यहाँ से आप रिक्त स्थान कंप्लीट करना है, ठीक है, जोड़ी आपको कंप्लीट करना है। ब्रोनो के देश, ब्रोनो की बेटियां, किस कवि की रचना है? आलोक धनवा की। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के हैं? 3। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सफल, स्वयं के परिश्रम से व्यक्ति को सफलता मिलती है। यहाँ से अपन देख सकते हैं ये समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है, क्लाइमेक्स है, खंजूर और अंगूर आ जाएगा और यहाँ से आधुनिक सभ्य समाज आ जाएगा। ऋषि मुनियों ने धान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, बिल्कुल ये सत्य बात है आपकी। व्यसंत पाटिल का नाम का जो लड़का है, चलिए अगला है, व्यसंत पाटिल का जो नाम एक लड़का व्यसंत नाम पाटिल का एक लड़का जो था, शरीर में मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था क्या? तो ये आपका असत्य है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, ये एक लोगों की, ये बिल्कुल राइट बात है ना। वर्ण मात्रा यति चरण तुक गण छंद के अंग सत्य है। भूषण कवि जो रीतिकाल के, और यहाँ पर ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर है ना, इसका सोल्यूशन 2 या 3 दिन में ही आपको मिल जाएगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं। अच्छा, वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है जब तक मिल जाए एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना है ना। भक्ति लेखिका के पास क्यों आई? पेशे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है? ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी पेड़ों में फूल खिलते हैं? ऋषि मुनियों ने किस तथ्य पर जोर दिया है? दीपावली पर लेखक को क्या क्या काम करना पड़ता था? रिपोर्टाज के लेखक से क्या आवश्यक है? मुक्तक तथा खंड काव्य का क्या आशय है? यहाँ से देख सकते हैं आप। और इसके बाद में ये देख लीजिएगा, काव्य के जो गुण हैं, काव्य के गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करना है। लोकोक्ति किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ से आप देख सकते हैं, शीतल वाणी में आग होने का क्या अर्थ है? रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लिए से क्या संबंध रहेगा? ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, ठीक है भैया, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा है ये। फिराक गोरखपुरी तथा गोस्वामी तुलसीदास का काव्यगत परिचय, महादेवी वर्मा तथा तो धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय देना है। कविता कोमल हृदय की चीज है, संक्षेपण कि क्या विशेषताएं हैं, ठीक है भैया। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, बाजार एक जादू है, हो गया। पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है, ये देख लीजिएगा। दीपावली पर लेखक क्या क्या करना पड़ता था, यहां से देखिए, सीरीज के फूल अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं? रिपोर्टार्ज के लेखन से लेखन में क्या आवश्यक है? प्रमुख जन संचार माध्यम कौन कौन से है? मुक्तक के काव्य और खंड काव्य से क्या से सांग रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। ओज प्रसाद गुण हो गया है। बिंब प्रधान से आप क्या, संविधान से आप क्या समझते हैं? लोकोक्तियां किसे कहते हैं? तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए, हो गया इतना। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? वो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे?
शीतल वाणी में आग होने का क्या आशय है? रोमांचित शरीर की संगीत का जीवन में लय से क्या संबंध है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 16 को तो स्क्रीनशॉट ले लें आप थोड़े, है ना। ये यहां पर है, ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आपटित का ध्यान से है। तुम हो धरती के पुत्र, हिम्मत ना हिम्मत हारो, श्रम पूंजी से अपना काज सवारो। ठीक है, तो यहां पर गद्यांश पढ़कर अपने को उत्तर देना है। पहला पूछा है यहाँ पर, कवि ने किस पूंजी से अपने को अपने बिगड़ने के कार्य को सवारने की बात कही है? तो ये आपका कवि ने परिश्रम की पूंजी से बिगड़ते कार्य को सवारने की बात कही है। दूसरा क्या है, कवि ने किस भाव को त्यागने की बात कही है? तो कवि ने आलस्य भाव को त्यागने की बात कही है। ये देखिए पूरा आंसर भी रख दिया मैंने लो सामने। ठीक है, तीसरा क्या है, किस मार्ग में व्यक्ति चलकर वैभव प्राप्त करता है? तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, ये यहाँ से देखिएगा, है ना। और शीर्षक क्या है, महत्ता जाएगा। ठीक है, और भावार्थ जाएगा ये। ठीक है भैया, सारांश जिसे बन गए यहाँ पर, है ना। भाव स्पष्ट कीजिएगा, है ना। तो भाव है वो, भावार्थ गलत है। हाँ चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा, 16 का अथवा है। तो ये 16 का अथवा वाला क्वेश्चन कीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें देख लीजिए, फिराक गोरखपुरी और तुलसीदास जी का रचनाएं देनी है। तो ये रचनाएं फिराक गोरखपुरी की, ये देखिए जीवन परिचय है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ना ये अपने एमपी बोर्ड में नहीं आता इतना, रचनाओं से आता है। ठीक है, ये यहाँ से रचनाएं होगी फिराक गोरखपुरी की, दो को इसी भी कर लेना है। ये भाव पक्ष हो गया है, ये कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद में तुलसीदास, हो गया रचनाएं से अपने को फोकस करना है, भाव पक्ष हो गया ये, कला पक्ष हो गया है ये, साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 18 में है, महादेव वर्मा की रचनाएं भाषा से लिए साहित्य में स्थान, ये भाषा। तो ये साहित्य में स्थान। फिर धर्मवीर भारती का योग रचनाएं भाषा शैली, और साहित्य में स्थान। ये यहां से देखिएगा, कविता कोमल हृदय की चीज है, यहां से अथवा हो गया ये। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो 20 को देख लेते हैं। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले पेपर का, ये 20 हो गया। और ये 22 देख लो, और ये 23 है। ठीक है, तो ये तो पेपर हो गया। ये व्याख्या चल रही है अपनी, छोटा करके भी स्क्रीन शॉट दे दूं, कभी आपको समझ में आ जाए तो ये कर लेना, और नहीं आए तो बड़ा भी करके दे रहा हूं मैं, है ना, 2-3 हिस्से में। ये हो गया संदर्भ, बोलो हाँ, प्रसंग बोलो हाँ। ठीक है, ये व्याख्या का एक हिस्सा हो गया है, दूसरा हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक का ले लो, ले लिया ये, इसके ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया।
बच्चों वाले तक हो चुके स्क्रीनशॉट में। इसी तरह ये हो गया संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या। ये क्वेश्चन नंबर 21 वाला संदर्भ प्रसंग हो गया और ये हुई व्याख्या। ये कालिदास वाला